रोकेंगे का हम खबर आ रही है कराची से है। और कराची में बल्दियाती इंतखाबात पीर कासिम पिपरी में दो सियासी जमातों के दरमियान तसादुम हुआ है और झगड़े के बाद पोलिंग का अमल आरजी तौर पर रोक दिया गया है। पुलिस की भारी नफरी फौरी तौर पर पोलिंग स्टेशन पर पहुंची है दोनों जमातों के ही है और अभी दोनों जमातों के हामियों को अलग किया जा रहा है। ये सपोर्टर्स है जो की आपस में कुछ जज्बाती होकर तसादुम की सूरत हाल मामला इख्तियार कर गया। झगड़े के बाद पोलिंग का अमल भी आरजी तौर पर यहाँ पर रुक गया है और इस मौजूद है जो के ये नफरी दोनों जमातों के जो हामी हैं उनको अलग अलग करवाने में मसरूफ है। अलबत्ता पोलिंग का अमल यहाँ पर अब तातुल का शिकार है, कुछ देर के लिए रोक दिया गया है। बल्दियाती इंतखाबात का मार्का है, मिन कासिम पिपरी में दो सियासी जमातों के दरमियान तसादुम की सूरत हाल। पुलिस फौरी तौर पर पहुंची है और सूरत हाल को कंट्रोल करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। पोलिंग को फिलहाल रोक दिया गया है, कुछ ही देर में पोलिंग दोबारा से यहाँ शुरू की जाएगी। बिन कासिम पिपरी जहाँ पर दो सियासी जमातों के कारकुनान में तसादुम की फिजा पैदा हुई और झगड़े के बाद अब पोलिंग का अमल यहाँ पर आरजी तौर पर इस वक्त रुका हुआ है, लेकिन उम्मीद यही है कि पुलिस फौरी तौर पर सूरत हाल को कंट्रोल करके कुछ ही देर में पोलिंग के अमल को दोबारा शुरू करवाने में कामयाब हो जाएगी। दो सियासी जमातों के कारकुनान उनका आपस में तसादुम हुआ जिसकी वजह से यहाँ पर पोलिंग को रोकना पड़ा। जी जनाब, इस सारी सूरत हाल पर हम आपको अपडेट कर रहे हैं जहां पर एमकेएम का वो वोट बैंक नहीं है, उसके बावजूद अगर वोटर्स दिलचस्पी का इजहार नहीं कर रहे तो इसकी वजह क्या है, लगारी साहब से जानेंगे। लेकिन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे।